मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़े आरोप लगाए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर रविवार को शहर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के नेतृत्व में रैली निकाली, जिस दौरान उन्होंने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। शनिवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन बाछे से 100 करोड़ रुपए हर महीने कलेक्ट करने को कहा था। इस चिट्ठी से पूरे राजनीतिक जगत में खलबली मच गई। इसी बीच रविवार को शहर भारतीय जनता ने पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुड़े के नेतृत्व में रैली निकाली, जिस दौरान पत्रकारों से बात करते दरमियान उन्होंने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि अगर कोई भी संवेदनशील मंत्री होता तो वो अब तक इस्तीफा दे देता। भारतीय जनता पार्टी का आज आंदोलन है। कोरोना के संक्रमण में हमने आंदोलन को बड़ा रूप नहीं दिया, लेकिन आंदोलन अभी बढ़ने वाला है। सीधी सी बात है, एक राज्य का पुलिस कमिश्नर रहा हुआ, मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा हुआ एक ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर 100 करोड़ रुपए हर महीने गृह मंत्री मांग रहे, ऐसे डायरेक्टली मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करते हैं, उनको पर्सनली भी जाके बताते हैं, उसके बावजूद भी अभी 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक गृह मंत्री ने राजीनामा नहीं दिया। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होता ना, एक सेकंड में राजीनामा देके बाजू हो जाता। और मुख्यमंत्री चौकशी करेंगे, एक चौकशी हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री क्या गृह मंत्री की चौकशी करेंगे, इसकी चौकशी तो केंद्र सरकार के कोई बड़ी एजेंसी ने करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमने देखा है कई प्लेटफॉर्म पे माननीय उद्धव ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, इन्होंने कई प्लेटफॉर्म पे परमबीर सिंह की वहाँ पे अच्छे ईमानदार ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर करके उसका सिलेक्शन किया, कई डायस पर उनकी तारीफ की, उनके काम की तारीफ की। और आज वही परमबीर सिंह का लेटर आने के बाद उस पे महारानी का दावा करेंगे, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अनिल देशमुख जी, आप तुरंत राजीनामा दीजिए आज, नहीं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। वैसे हमने आज उनको पैसे कम गए करके कटोरा लेके वहाँ पर पैसे भेजने वाले हैं, हमने सारे लोगों ने पैसे जमा किए, वो भी भेजने वाले हैं अगर उनको पैसे नहीं है तो। लेकिन इस प्रकार से महाराष्ट्र की प्रतिमा पूरे देश में खराब करने का काम माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने किया है, जब तक वो राजीनामा नहीं देते हम छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त उन्होंने एक कटोरे में पैसा इकट्ठा किए और कहा कि ये पैसे हम उन्हें देंगे क्योंकि उन्हें पैसों की कमी हो रही है। और जिस प्रकार गृह मंत्री ने महाराष्ट्र की प्रतिमा खराब की है, उसके चलते जब तक वो राजीनामा नहीं देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, ऐसी चेतावनी इस वक्त बावनकुड़े ने दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।